नमस्ते दोस्तों, मेरा यूट्यूब में आपका स्वागत है। तो मेरा यूट्यूब में आज मैं आप लोगों के लिए हाउ टू इंजन कूलिंग, यानी कि इंजन प्रॉपरली ठंडा कैसा होता है, इसका 3D में मैं आप लोगों को पूरा इंजन काट के बताने वाला हूँ। कि ये देख रहे आप लोग इस वीडियो में कि ये पूरा कम्प्लीटली इंजन का एक पूरा स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। तो ये सावरी से मैंने लिया है, सावरी.com से, बहुत अच्छा वेबसाइट है। तो अभी इस जो है ये जो है ये रेडिएटर्स आप लोग देख सकते हैं। तो आगे के साइड में रेडिएटर्स है। अभी मैं आप लोगों को कंप्लीट कूलिंग सिस्टम के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि हर एक इंजन जो होता है वो गर्म होता है। गर्म होने के बाद में उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, और वो आपको पता होना चाहिए कि इंजन जब गर्म होता है तब क्या क्या होता है। तो आप लोग देख सकते हैं ऊपर की जो साइड है, इसमें ये जो है ये रेडिएटर का टॉप है, इसे हम रेडिएटर का टॉप बोलते हैं। ये नीचे रेडिएटर के पाइप्स है, और ये पाइप्स को ये फिन्स लगी हुई है। ये इस टाइप का मटेरियल से बना होता है कि आपका हीट जो है एक्सपांड हो, यानी कि हीट थोड़ा अलग अलग इसका एरिया बढ़ सके, इससे ये रेडिएटर ठंडा भी हो सके। और इसके अंदर से आप लोग देख सकते हैं कि ये कंटिन्यूसली एयर जो है वो इंजन के साइड से बाहर आता है, या कभी कभी बाहर के साइड से, कई मशीन के डिजाइन के हिसाब से बाहर के साइड से अंदर जाता है। तो जनरली इंजन के साइड से बाहर जाता है। तो फैन लगाते टाइम ये आपको कभी भी ध्यान में रखना चाहिए। ये जो है नीचे के साइड में रेडिएटर का बॉटम, आप लोग देख सकते हैं, इसे रेडिएटर का बॉटम बोलते हैं। तो रेडिएटर के पाइप्स कई बार लीक हो जाते हैं, तो हम लोग उसे ब्लॉक कर देते हैं। तो हमें वो कभी भी ब्लॉक नहीं करना चाहिए, तो हमें वो ब्लॉक करना नहीं चाहिए। और ज्यादा अगर पाइप ब्लॉक हो गए तो हमें उसे रिपेयर जरूर करना चाहिए। तो और ज्यादा अगर ब्लॉक हो गए तो हम जाली उसकी चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से इसका कंप्लीटली ये एक ढांचा है। हमने पहले भी कुछ वीडियो में थर्मोस्टेट वाल्व कैसे काम करता है, इंजन के पार्ट्स का नाम क्या होता है, ये सब चीजें हम इसके पहले आप लोगों के लिए ला चुके हैं। तो अभी आप लोग देख रहे हैं कि इस सिस्टम में हम लोग आपके लिए कंप्लीटली ये फिगर हमने लाई है। थोड़ा मैं आपको छोटा करके बताता हूँ। यहाँ पे एक्सपांशन बॉटल होती है, या हम इसे एक टैंक भी होता है। ये आजकल तो प्लास्टिक के इसमें आता है, पहले 4R इंजन में ये जो होता था ये एक स्टील के या पत्रे का होता था, और इसी से रेडिएटर में पानी सक करते हैं, और कई बार लोग ये खराब होने के बाद में इसे निकाल के भी रखते हैं। लेकिन अभी जब इंजन कूलिंग होता है तब उस टाइम में क्या होता है, तो बॉटम से पानी जाता है कूल पानी, और इंजन भी अभी ठंडा है। तो देख रहे हैं आप, इंजन कूलिंग का एक ठंडा पानी पिस्टन के बाजू से जाते हुए, वाटर पंप से जाते हुए रिटर्न टू इसमें जा रहा है। अभी रेडिएटर में पानी नहीं जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। थर्मोस्टेट उसे बाईपास कर रहा है। अभी ये पूरा सिस्टम आप लोग देख लीजिए, इसमें थर्मोस्टेट वाल्व जो है ये पानी को अभी बाईपास कर रहा है। देख लीजिए, इंजन से ये पानी आ रहा है, पानी आने के बाद में थर्मोस्टेट में जा रहा है, थर्मोस्टेट अभी इसे बाईपास कर रहा है। अभी जब इंजन गर्म हो जाएगा तो उस टाइम में क्या होता है, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो जनरली क्या होता है, बॉटम से, रेडिएटर के बॉटम से पानी जाता है इंजन के जो बाहर के साइड में, स्लीव और लाइनर जो होता है उसके बाहर से साइड में ये पानी जाते हुए, अभी ये पानी गर्म हो चुका। आप रेड लाइन देख सकते हैं, पहले ये जो लाइन्स थी वो ब्लू लाइन्स थी, यानी कि पानी ठंडा था। तो उस टाइम में क्या होता था, इस थर्मोस्टेट वाल्व से लेके ये नीचे के साइड में जा रहा था। जैसे ही अभी पानी गर्म हो गया तो ये पानी सीधा अभी रेडिएटर में जा रहा है, रेडिएटर में ऊपर से नीचे जा रहा है, जैसे ही ये फैन घूम रहा है। अभी इस चीज को क्रैंकशाफ्ट बोलते हैं। ये हमने पहले भी आप लोगों के लिए इंजन के कौन से पार्ट्स को क्या बोलते हैं इसकी वीडियो पहले मैंने बनाया है। तो ये क्रैंकशाफ्ट जो है, क्रैंकशाफ्ट को ही जनरली फैन ब्लेड लगा होता है, और उसे वाटर पंप घूमता है। तो वाटर पंप जैसे ही घूमता है तो रेडिएटर में वो गर्म पानी ऊपर के टॉप में जाता है, टॉप में से बॉटम में जाते समय उसका एरिया बढ़ जाता है, और फैन जैसा ही घूमता है तो फैन की हवा रेडिएटर से पास होती है। जैसे ही रेडिएटर से पास होती है तो नीचे के साइड में ठंडा पानी आता है, ठंडा पानी वापिस इंजन को कूलिंग करने में चला जाता है। इस तरीके से ये कंटिन्यूअस ये सिस्टम चलते रहता है। कई बार कूलिंग के लिए वाटर कूलिंग, इंजन ऑयल को भी वाटर कूलिंग जैकेट देते हैं इंजन में, कहीं तो भी उसको भी इसी टाइप का सिस्टम्स होता है। तो आप लोग देख लीजिए, कंप्लीटली मैंने आपके लिए ये डायग्राम बनाया था। थोड़ा मैं इसका स्पीड आपके लिए कम कर देता हूं।
तो आप लोग देख सकते हैं अभी कि इस तरीके से ये पानी कंप्लीटली जाता है। जैसे ये वाटर इसमें जाता है तो लाइनर के आजू बाजू में से इंजन गर्म क्यों होता है, ये भी एक मेन कारण है कि इंजन आपका गर्म होने का सबसे मेन कारण, मुझे पिछले के एक वीडियो में ही एक आदमी ने पूछा था कि इंजन गर्म क्यों होता है। तो अभी ये जो पिस्टन है, पिस्टन कंटिन्यूसली ऊपर नीचे होता है, और ये जो चीज है इसे पिस्टन का स्कर्ड बोलते हैं। आप लोग देख लीजिए पिस्टन कर्ड जो है, यानी कि ये जो पिस्टन का ये जो भाग है इसे ये कंटिन्यूसली ये लाइनर के साइड में घिसता हुआ चलता है। एक वो इसके पिस्टन कर्ड्स और उसके ऊपर जो रिंग्स लगी होती है पिस्टन की, ये कंटिन्यूसली ऊपर नीचे चलती है, और उसी के वजह से क्या होता है कि इंजन हीट होता है। दो जो मटेरियल अलग अलग जो मटेरियल है वो एक में को उसका फ्रिक्शन होता है, यानी कि घर्षण होता है, और उसी की वजह से लाइनर हीट होते हैं, और लाइनर हीट होने के वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो अभी आज की इस वीडियो में आप लोग समझ चुके होंगे कि इंजन हीटिंग क्यों होता है, कैसा होता है, उसका अंदर से 3D मॉडल भी मैंने आप लोगों को दिखाया है। तो प्लीज़ मेरा इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर जरूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।